ओके सो हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। गूगल कोलैब हमने खोला हुआ है जो कि ऑनलाइन एडिटर है। तो हम लोग लिस्ट पे काम कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम दिया था, किसी ने सॉल्व किया है? ये दो प्रॉब्लम्स दिया था मैंने, किसी ने सॉल्व किया इनको? एक्चुअली सर आर स्कूल एग्जाम्स आर गोइंग ऑन सो आई वाज अनेबल टू चेक आउट दीज क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग मांग रहे थे इसलिए मैंने दिया था, तो कोई बात नहीं। यस सर आई विल डेफिनेटली ट्राई। ओके तो हम आज सॉल्व करते हैं इनको, क्योंकि फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व करने। सो फर्स्ट प्रोग्राम इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, राइट ए प्रोग्राम फॉर मैक्स वैल्यू इन द लिस्ट विदाउट यूजिंग मैक्स। मैक्स को आपको फंक्शन का यूज नहीं करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 80 20 3 50 28। ये आपकी एक लिस्ट है और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपने आप प्रिंट होके आ जाए, तो उसको प्रिंट करवाना है। कोई आइडिया, कोई बताएगा? गेस बताइए। यस सर। सर एक्स डॉट सॉर्ट ब्रैकेट एक्स डॉट सॉर्ट ब्रैकेट प्रिंट एंड देन नेक्स्ट लाइन प्रिंट सर प्रिंट जीरो। जीरो। यस सर। सॉरी नो सर, सर इट विल बी एक्स देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन इट विल बी माइनस वन। स्क्वायर ब्रैकेट माइनस। तो ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन सपोज हमको सॉर्ट का यूज भी नहीं करना, तब कैसे करें? ठीक है, यह एक तरीका सही है कि आपसे कहा गया कि मैं इसका यूज मत कीजिए, तो अपना सॉर्ट का यूज करिए। करेक्ट है, बट मान लीजिए कि आपको सॉर्ट का यूज भी नहीं करना है। अब एनी गेस? कुछ आइडिया आ रहा नो है? नहीं आ सर। रहा। ओके तो हम लोग क्या करें, एक्स सपोज एम इक्वल टू एक्स 0 ले लें। एम मतलब एक वेरिएबल का नाम ले लिया, और एक्स जीरो मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो जीरो इंडेक्स पर है। तो आपका एम इक्वल टू कितना हो जाएगा? सर फोर फोर फोर। एग्जैक्टली। अब फॉर आई इन एक्स, फॉर का मतलब लूप है, जो लूप का मतलब रिपीट करना है। कितनी बार रिपीट करना है? जितनी बार आई की वैल्यू एक एक करके एक्स में होगी। क्लियर यस है? फॉर आई यस इन एक्स सर। मतलब आई की वैल्यू पहले 4 होगी, फिर 80 होगी, फिर 20 होगा, फिर 3 होगा, फिर
50 होगा फिर कितना होगा? 28. वेरी गुड. इफ आई इज ग्रेटर देन एम, अगर आई एम से बड़ा है तो एम इक्वल टू आई हो जाए. क्लियर? यस सर. लूप से बाहर आ जाइए. प्रिंट रन करें. कोई डाउट? सो कैन यू एक्सप्लेन अगेन? हमने क्या किया कि जो सबसे पहला नंबर था 4, अच्छी, हमने जो सबसे पहला नंबर था 4 उसको हमने एक वेरिएबल में असाइन करवा लिया m इक्वल टू x जीरो करके. ये लाइन क्लियर है? यस सर. उसके बाद जब हम लिख रहे हैं फॉर i इन x, तो इसका मतलब है कि i की वैल्यू पहले 4 होगा, फिर 80 होगा, फिर 20 होगा, फिर 3 होगा, फिर 50 होगा, फिर 28 होगा. इसका यही मतलब है ना? यस सर. यस. अब हम कह रहे हैं कि इफ i ग्रेटर देन m, i m में जो वैल्यू है पहले कौन सा वैल्यू है? 4. तो अगर i इक्वल टू 4 है तो 4 4 से बड़ा है? नहीं बड़ा है. फिर आगे चला जाएगा, i इक्वल टू 80 हो गया, 80 4 से बड़ा है? यस. तो m की वैल्यू 80 हो गया. फिर i की वैल्यू 20 हो गया. फिर बोलेगा 20 80 से बड़ा है? बोलेगा नो. तो फिर आगे स्किप हो जाएगा, आगे आ जाएगा. इस तरीके से लूप चल रहा है. बार बार ये कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू एक्स की वैल्यू में से जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को एक एक करके वो असाइन करेगा. असाइन करने के बाद फिर वो कंडीशन चेक करेगा कि आई की वैल्यू है वो एम की वैल्यू से बराबर है या बड़ी है कि नहीं है. अगर आई की वैल्यू एम की वैल्यू से बड़ी है तो फिर एम में आई की वैल्यू असाइन कर देगा. ओके सर. तो ये चीज हो रहा है. ओके सर. बेसिकली हम ये करवाना चाह रहे थे आपसे. इससे आपको कम से कम ये पता चल जाता है कि आपका लूप कैसे काम करता है और मैक्स फंक्शन कैसे काम करता है. अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आते हैं. प्रोग्राम फॉर मिन वैल्यू, ये कैसे बनेंगे? सेम एग्जांपल ले लें, इसका प्रोग्राम आप लोग बताइए. So can we write m is equal to x and square bracket में minus 1? वो भी लिख, पर माइनस में 28 को क्यों ले रहे हैं? We can write x 0. अच्छा ठीक है, आपने माइनस 1 लिख दिया. क्या करने चाह रहे हैं फिर? सर देन जो ऊपर कोड लिखा था उसको सेम लिख सकते हैं, बस वहां पर स्मॉलर देन का साइन लगा सकते हैं. ठीक है. यस सर.
बट जरूरी नहीं था कि आप -1 ही लिखें, आप कोई भी एक नंबर ले सकते थे, यहाँ पर 0 भी ले सकते थे। तो हम लोग कोई भी एम को एक नंबर ले सकते थे जो इनमें से है, और फिर हम लोग चेक कर सकते थे उससे छोटा है कि नहीं छोटा है। समझ आ ओके गया? सर, यस सर। अभी बताइए इसका प्रोग्राम। सर फर्स्ट वी विल क्रिएट अ लिस्ट। हाँ, एक लिस्ट क्रिएट कर लिया। सर वी नीड वन मोर लिस्ट। नहीं, वी डू नॉट नीड वन मोर लिस्ट, हम लोग इसी लिस्ट को सम कर रहे हैं। और क्या लिस्ट है? इसी लिस्ट के जो एलिमेंट है उनको सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। कोई बताएगा? ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करवाया था सीन, ये क्वेश्चन। नहीं आता रे? सर वाई इज इक्वल टू एक्स जीरो। जीरो फॉर आई इन एक्स सर फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई। माने एन
printed why? सही है प्रोग्राम। सही है गलत है कोई बताएगा? सर आई थिंक इट इज करेक्ट। देर इज अ मिस्टेक। देर इज अ मिस्टेक। कौन बताएगा? सर फिर फोर भी तो एक बार ऐड हो रहा है। क्या कह रहे हैं आप, तेज बोलिए। सर वो वाई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जो कर रहे हैं उसमें एक बार फोर भी आ रहा है। हाँ तो गलती तो हम क्या कर दें कि सही हो जाए? सर एक बार फोर एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है इसमें। सर मे बी इट शुड सबट्रैक्ट वाई। सब्सट्रैक्ट बाय व्हाट? सर वाई इज इक्वल टू एक्स वन प्लस वाई माइनस। ओके हम लोग यहाँ पर जो एक्स जीरो लिखा हुआ है यहाँ पर केवल जीरो कर दें। फाइन अब यस सही हो सर। गया, अब सही हो गया। अब ये प्रोग्राम सही हो गया। आप यहां पर रेंज ना यूज करके सीधे इस तरीके से भी ले सकते थे और यहां पर आई ले सकते थे। ओके सर। तो ये आपका हो गया। अच्छा अगर मान लीजिए आपको प्रोग्राम लिखना है सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है तब क्या करेंगे? प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स। अब क्या लिखेंगे? सर मे बी फॉर आई इन एक्स वाई इज इक्वल टू आई प्लस आई एंड प्रिंट वाई। आई इन एक्स वाई इक्वल टू वाई सर वाई इज इक्वल टू आई इंटू आई। आई इंटू आई
और प्रिंट सही है, गलत है, कोई और अरे ये गलत है। गलत है, तो सही क्या होगा? तो सर हम वही चीज कर सकते हैं, लेकिन पहले वाई इज इक्वल टू वन करके फिर वाई इज इक्वल टू आई इनटू वाई कर सकते हैं। y इक्वल टू वन, y इक्वल टू आई इंटू वाई, ये सही है? हाँ जी, यस सर आई थिंक इट इज करेक्ट नाउ। करेक्ट लग रहा है। कोई किसी के पास कैलकुलेटर हो तो उस पर करके देख लीजिए एक बार, सेम आ रहा यस सर आई जस्ट डिड। है? यस, देन इट इज करेक्ट। यस सर इट इज करेक्ट। ओके, सो वाई इक्वल टू हमने वन ले लिया, क्यों वन लिया? वहां पर हमने सम में वाई इक्वल टू जीरो लिया था, मल्टीप्लाई में वाई इक्वल टू वन लिया, ऐसा क्यों? एग्जैक्टली, सर बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई होके तो आंसर भी 0 हो जाता है। अगर हम यहाँ पे जीरो ले लेते हैं तो आंसर भी जीरो हो जाता है। तो जीरो किसी चीज पे ऐड कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो किसी चीज पे ऐड कर दिया जाए तो उस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी उस नंबर पर, इसलिए हमने सम पे जीरो लिया था। और मल्टीप्लाई करने में वन होता है, अगर वन से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर वैसा के वैसा ही रहता है, इसलिए हमने यहां पर वन लिया था। क्लियर है? यस सर यस सर। अब हम लोग फिर से फर्स्ट प्रोग्राम पे आ जाएं। सपोज हम लोग जब मैक्सिमम और मिनिमम कर रहे हैं तो हमने पहला नंबर लिया था, अगर हम ये पहला नंबर लेना चाहें तब हम क्या करें? अब किसमें क्या चेंज करें कि आपका सही हो जाए प्रोग्राम? सर पार्डन प्लीज। हाँ, अभी हमने एक्स इक्वल टू जीरो लिया था, हमने एक्स इक्वल टू जीरो लिया था ना यहाँ पर, यस सर। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर पहले किसी ने सजेस्ट किया था आप ही में से किसी लोगों ने कि एक्स ब्रैकेट के अंदर जीरो ले लें, तो अगर हम कहते हैं कि हम पहला जो एलिमेंट है उसी को हम वाई में लिखेंगे, अब हम इस बाकी प्रोग्राम में क्या चेंज करें कि हमारा प्रोग्राम सही हो जाए? सर फिर वाई इज इक्वल टू आई प्लस वाई माइनस वाई। नहीं, ये तो फिर आपका कैंसिल हो गया, वाई वाई, तो वाई इक्वल टू आई ही आ जाएगा, 28 ही आ जाएगा। हमें सिर्फ इतने प्रोग्राम में चेंज करना है। सर हमें एग्जैक्टली प्रिंट क्या करवाना है? सम सम ऑफ एलिमेंट्स,
सम मतलब 4 + 80 + 20 + 3 + 50 + 28, ये करना है। नींद जाना रहे, कुछ आ रहा है आइडिया? सर मैं सोच रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसमें, आंसर क्या आएगा? 189। सो क्या चीज ऐड हो रहा है? सर फोर, फोर। सर हाँ, फोर एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। फोर मतलब फर्स्ट एलिमेंट, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो ऐड हो रहा है। तो यहां पर जो लूप है वो फर्स्ट एलिमेंट के बाद से चलाएं। क्लियर है? यस सर, यस सर, आ गया? यस सर, सिर्फ इतना करना था, है ना? जैसे कि हम जब प्रोग्राम बना रहे थे तो वाई इक्वल जीरो की जगह पर किसी आप में से किसी ने सजेस्ट किया था कि इतना नंबर ले लिए, तो अगर हम ये नंबर ले लेते तो हमको यहाँ पर एक्स में लूप ना चलाकर स्लाइस करके इस इतने में लूप करना हो, चलाना होता 80 से लेके 58 तक, क्योंकि 4 को तो हम लोग काउंट कर ही चुके थे। क्लियर? गॉट इट सर। सेम चीज मल्टीप्लाई करने में, अगर हम यहां पर वाई इक्वल टू एक्स जीरो ले लें तो क्या करना पड़ेगा? क्लियर? सर लूप में हम इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। बस
आ गया सेम आंसर। सर व्हाट यस इफ सर वी टेक वाई इज इक्वल टू एक्स वन? तब आपको 2 बार लूप चलाना पड़ेगा। ओके वी कैन डू इट फॉर आई इन एक्स। ठीक है और इफ आई इक्वल इक्वल टू एक्स वन। नहीं आपको 2 बार लूप चलाना पड़ेगा बिकॉज फिर देर एक विल बी सम प्रॉब्लम। तो हम रेंज लेके कर सकते हैं कि उसको स्किप कर दें कंटिन्यू फंक्शन का यूज करके, सॉरी कंटिन्यू कमांड का यूज करके। अगर आपने लूप पढ़ा हो तो आपने ध्यान दोगे हमने वहां पर कंटिन्यू का यूज किया था। किया था यस सर, यस सर, हाँ, तो कंटिन्यू का यूज करके कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमें रेंज यूज करना पड़ेगा क्योंकि आई की वैल्यू अगर 2 बार सेम हो रहा है 80 80 आ रहा है तब दिक्कत हो जाएगा। तो वी कैन यूज रेंज लेन ऑफ एक्स इफ आई इक्वल इक्वल टू 1 कंटिन्यू हो गया। यस सर, यस सर, तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू का यूज करके किसी भी वैल्यू को दे सकते। लिस्ट में कुछ सर्च करना है तो सपोज हम करते हैं एक्स इक्वल टू सेम लिस्ट ले लें इंट 20 इन एक्स। ये बूलियन एक्सप्रेशन है इसका जवाब क्या आएगा आउटपुट क्या आएगा। सर ट्रू, तो अगर आपसे कहा जाए कि हमें इसका प्रोग्राम बनाना है विदाउट यूजिंग दिस मेंबरशिप फंक्शन कि वो है कि नहीं है तो कैसे बना सकते हैं। इस तरीके से आपको किसी भी चीज को चेक करना है कि वो है कि नहीं है। सर फॉर आई इन एक्स, इफ एक्स इज इक्वल टू 20 ओके देन ओके ओके प्रिंट राइट तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सर्च और सर्च किसी कर रहे हैं वाई इक्वल टू 20 वाई की सर्च कर रहे हैं और आई इन एक्स इफ आई। अब बताइए प्रोग्राम क्या बना रहे थे इक्वल इफ आई इज इक्वल टू वाई टू वाई प्रिंट प्रिंट ट्रू, ओके ट्रू और एनी स्टेटमेंट ट्रू और ब्रेक ठीक है।
ब्रेक कर दीजिए क्योंकि उसके बाद ग्रुप की जरूरत नहीं है। सर ट्रू में कोर्स यूज नहीं होंगे? अगर आप ट्रू बुलियन भी होता है तो अगर आप ट्रू ऐसे ही लिख देंगे तो वो भी ट्रू प्रिंट कर देगा, और अगर कोट लगा देंगे तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा। यस अगर आप सर। कोट लगा देते हैं देन इट विल बिकम स्ट्रिंग, और ऐसे ही प्रिंट करा लेंगे तो वो बुलियन प्रिंट कर देगा। ओके, इट विल प्रिंट एनी वे। सही है, कोई गलती है? ओके, अगर मान लीजिए एक्स इक्वल टू 30 हो जाता, सर देन वी कैन यूज एल्स प्रिंट फॉल्स। हम भी यहाँ भी कोड करा देते हैं बिकॉज हम लोग इसको सिंपल प्रिंट दे देंगे तो कर लेगा। तो इसमें होगा क्या कि फॉल्स देखो कई बार आ गया, हम चाहते हैं कि फॉल्स एक ही बार आए। अच्छा, सर ब्रेक इसमें हम कर क्या रहे हैं बता दें। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता है, जैसे हमने लिखा एक्स इक्वल टू 30, फिर लिख रहे हैं फॉर आई इन एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू पहले, सॉरी आई की वैल्यू पहले 4 होगी, फिर 80 होगी, फिर 20 होगी, फिर 3 होगी, फिर 50 होगी, फिर 28, और वो हर एक वैल्यू को हमें 30 से चेक करना है। इस तरीके की जो सर्च होता है इसी तरीके से कर रहे हैं ना हम लोग। यस सर। इस तरीके की जो सर्च होता है उसको बोला जाता है लीनियर सर्च। ठीक है, इसका एक नाम है जो हायर क्लासेस में करते हैं, तो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे लीनियर सर्च के, लेकिन हम लोग एक्चुअली लीनियर सर्च ही कर रहे हैं आज, तो वही कर रहे हैं। हाँ, अब बताइए कि हमारा, सर देखिए अगर फॉल्स बहुत बार आ रहा है, हम नहीं चाहते बहुत बार आए। कहाँ सर वी कैन यूज ब्रेक पर? सर फॉल्स के बाद। यहाँ पर यस सर। सर यहाँ पर जो वेरिएबल है एक्स इज इक्वल टू 30, अगर हम लूप में ही आई इज इक्वल टू 20 या 30 रख सकते थे? नहीं रख सकते थे। अब मान लीजिए हमने एक्स इक्वल टू 20 कर दिया, रख सकते थे, लेकिन बार बार यहीं पर शुरुआत ले लिए। तो अब मान लीजिए अब हमने एक्स इक्वल टू 20 लिया तब भी फॉल्स आ जा रहा है। हमने एक्स इक्वल टू 20 इस पूरे प्रोग्राम को रन करवाया, आ रहा है फॉल्स। सर यू कैन रिमूव वन ब्रेक आफ्टर ट्रू। अभी भी फॉल्स आ रहे हैं। अब क्या करें? अच्छा,
एनी गेस? सॉरी सर, नो आइडिया। ओके okay. इस तरीके की प्रॉब्लम से हम लोग फ्लैग का यूज करते हैं। कोई भी मतलब फ्लैग मतलब एक आपने ले लिया एफ इक्वल टू जीरो करके, एक वेरिएबल दे दिया नाम एफ इक्वल टू जीरो। इफ आई इक्वल इक्वल टू वाई तो हम लोग क्या कर देंगे, एफ इक्वल टू फिर ब्रेक। तो इस तरीके से एफ की वैल्यू पहले जीरो है, फिर हमने फॉर आई इन एक्स किया, इफ आई इक्वल इक्वल टू वाई तो हमने एफ इक्वल टू वन कर दिया। तो जैसे ही एफ इक्वल टू वन हुआ ब्रेक हो गया, अगर एफ इक्वल टू वन नहीं है तो तब तक चलता रहेगा जब तक ये सारी वैल्यूज एक एक करके आई में साइन नहीं हो जाती, फिर ब्रेक हो जाएगा। अब हमने प्रिंट करवा लिया इफ एफ इक्वल इक्वल टू वन प्रिंट। ओके इसके साथ ब्रैकेट हम लोग यहीं पे लगा सकते हैं या ब्रैकेट को छोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन लगा देते ज्यादा अच्छा लगता है। ट्रू एफ इक्वल टू 30 फॉल्स। क्लियर? सर, पिछले वाले कोड में क्यों नहीं हो पा रहा था इस तरह से? पिछले कोड मतलब जो आप बना रहे थे सर, इससे पहले जो बनाया था, कौन सा प्रोग्राम, क्या सर बनाया जिसमें था? हमने एफ का यूज नहीं किया था। जब आप एफ का यूज नहीं कर रहे थे तो बार बार वैल्यू रिपीट होके प्रिंट करवा रहे थे ना, तो वैल्यू बार बार प्रिंट हो रहा था। अब यहां पर हमारे पास एफ की दो ही वैल्यू हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। तो हम लोग असाइनमेंट एक बार कर दे रहे हैं, अदरवाइज असाइनमेंट जीरो ही रहेगा। आप उसको जब जैसे आप बना रहे थे कैसे आप बना रहे थे, फिर से बोलिए। मैं टाइप करता हूँ, बोलिए उसको। अप्रोच किया था बोलिए, मैं उसको फिर बताता हूँ क्या गलती रही। सिर्फ फॉर आई इन एक्स, फॉर आई इन एक्स इफ आई इज इफ इक्वल टू वाई, आई इक्वल टू वाई प्रिंट प्रिंट ट्रू। ट्रू ट्रू एल्स प्रिंट फॉल्स। एल्स प्रिंट। तो जितनी बार आई की वैल्यू एक्स की वैल्यूज में से असाइन होगा, मतलब आई की वैल्यू पहले 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 20 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 28 होगा, उतनी बार हम लोग चेक भी कर रहे हैं। तो जब आई की वैल्यू 4 है तब चेक करेगा तो फॉल्स प्रिंट कर देगा, फिर आई की वैल्यू 80 होगा तब चेक करेगा, फिर फॉल्स चेक प्रिंट करेगा। तो जो प्रिंटिंग वाला ऑप्शन है वो 1 2 3 4 5 6,
छह बार प्रिंट कमांड भी रिपीट हुआ। बात समझ रहे हैं? यस सर। प्रिंट कमांड भी 6 टाइम रिपीट होगा क्योंकि आई की वैल्यू 6 टाइम चेंज हो रही है। तो आई की वैल्यू 6 टाइम चेंज हो रही है तो प्रिंट की वैल्यू भी 6 टाइम चेंज होगी। अब अगर हम इसको रन कराएं देखिए क्या आया, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये यस वन सर। टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये चीज हो रहा है। तो हम लोग प्रिंट की वैल्यू बार बार प्रिंट नहीं करवाना चाह रहे क्योंकि उससे हमारा गलत आ रहा है। हम तो चाह रहे थे कि जब ट्रू आए तो तभी वो प्रिंट कर दे और बस फॉल्स को प्रिंट ही ना करे, इसलिए हमने वहां पर यूज किया। तो इस तरीके के फ्लैग होता है जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो एक मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। बाकी जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग फ्लैग का यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि प्रिंट कमांड बार बार यूज ना हो या कोई भी लाइव स्टेटमेंट है वो बार बार यूज ना हो, हम फ्लैग करके अपना काम कर लें। तो कुछ लोग फ्लैग FLAG लिख देते हैं, कुछ लोग एफ से लिख देते हैं, आप उसको कुछ भी मान सकते। सर व्हाट इफ वी राइट ब्रेक आफ्टर प्रिंट फॉल्स। आफ्टर प्रिंट फॉल्स तो प्रॉब्लम विल बी कि जब एक्स की वैल्यू आई की वैल्यू 4 होगी तो उसने चेक किया 20 है, बोला नहीं है, यहां पे गया तो उसने प्रिंट को फॉल्स प्रिंट कर दिया। उसके बाद में ये पूरा प्रोग्राम ब्रेक हो गया। अब वो 80 होगा ही नहीं आई की वैल्यू। देख रहे हैं आई की वैल्यू 80 होगा ही नहीं, ये दिक्कत आ रही है। ओके सर। 80 नहीं होगा फिर 20 भी नहीं होगा, तो कभी पता चलेगा ही नहीं कि 20 हमारे पास है कि नहीं है। इसलिए हमारी ये यस प्रोसेस है। लिस्ट में और कोई क्वेश्चन? आज हम लोग लिस्ट खत्म कर दिए हैं, आपके पास कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे टपल। इस तरीके की सर्चिंग ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर सर्च। लीनियर सर्च आप लोग पढ़ेंगे अगर आगे एडवांस प्रोग्रामिंग में जाते हैं, वहां पर एक सर्चिंग टेक्निक होती है लीनियर सर्च, वहां पर यही चीज किया जाता है जो हमने आज आपको प्रोग्राम बताया। इस तरीके से हम लोग फ्लैग का यूज करके प्रोग्राम बना लेते हैं। तो कोई डाउट हो बताइए वरना फिर हम लोग क्लास बंद करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग टपल स्टार्ट करेंगे। एनी डाउट? नो सर। नो सर। ओके ठीक है, सपोज कर। थैंक यू सर।